हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमारे पास बेटा क्वेश्चन में ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज शोन, मतलब हाइपोथेटिकल यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है बेटा वो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, ठीक है। द ईएमएफ मेजर्ड इज +0.20 वोल्ट, द सेल रिएक्शन इज, मतलब इसका जो हम ईएमएफ जो मेजर कर रहे हैं बेटा वो आपके पास +0.20 वोल्ट है, तो सेल रिएक्शन। तो ईएमएफ बेटा यहाँ पर आपका पॉजिटिव आया है, मतलब ये जो आपकी सेल रिएक्शन है बेटा ये आपकी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर ईएमएफ आपका नेगेटिव आ जाता ना, तो कहने मतलब हमारे पास सेल रिएक्शन जो थी वो आपकी रिवर्स में दी हुई थी, वो आपकी गड़बड़ दी थी, वो गलत थी। लेकिन पॉजिटिव आया तो ये आपकी सही दी है। अब हमें पता है बेटा ये जो आपका यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन है, आपको समझना होगा बेटा यहाँ पे हमारे पास ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है बेटा, इसका कहने का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो डबल लाइन डबल होती है इसको अब ये हमें बताया करता है अबाउट सॉल्ट ब्रिज। ये आपको बताता है बेटा हमारे सॉल्ट ब्रिज के बारे में। इसके इस तरफ जो इक्वेशन गिवेन है बेटा ये आपको बताती है एनोड के बारे में, और इसके राइट हैंड साइड में जो आपका लिखा होता है ये आपको बताता है कैथोड के रिएक्शन को। मतलब एनोड, एनोड मतलब बेटा यहाँ पर आपका क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आपका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। इधर हमारे पास कैथोड है, और कैथोड में हमारा क्या हो रहा होता है बेटा, कैथोड में हमारा होता है रिडक्शन। ये आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर आपका होगा ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर आपका ए जो होगा बेटा वो आपका कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस में, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज कर रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई बेटा एनोड की हाफ सेल रिएक्शन हो गई। कैथोड में क्या होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे जो कैथोड की रिएक्शन है बेटा यहाँ पर आपके पास बी प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और आपका कन्वर्ट हो रहा है बी में। ये आपकी जो रिएक्शन है बेटा कैथोड में आपकी रिएक्शन यहाँ पर गिवेन है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट सेल इक्वेशन लिखने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल होना चाहिए। अगर सपोज करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस नहीं होता तो उसको हम लोग 2, 3, 4 मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है, फिर हमें फाइनल सेल रिएक्शन लिखनी होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके दोनों ही हाफ सेल में ऑलरेडी एक एक है, बैलेंस है, तो इनको हम लोग ऐड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ से आपको ए प्लस बी प्लस मिल रहा है, साथ ही बेटा यहाँ पर हमें मिल रहा है ए प्लस से बी हमें मिल रहा है, और ये जो हमें रिएक्शन मिली है बेटा यही है आपकी सेल रिएक्शन। अब हम अपने ऑप्शन में क्रॉस चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में हमें ये रिएक्शन बिल्कुल मिल रही है। तो आप ऑप्शन नंबर ए को देखो बेटा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल हमने जो रिएक्शन लिखी है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।